भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों और भाइयों, आप सबको बता दें कि 23 अक्टूबर को आयुर्वेद पर कार्यक्रम करने हैं, तो आइए इसकी ओर बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसमें कई सरकारी आदेश लगे हैं, तो पूरा वीडियो देख लेना। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बिजनौर के हैं, उन्होंने 18 अक्टूबर को जो है एक अपने यहां लेटर ये जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 23 अक्टूबर को यानी कि परसों आयुर्वेदा एट द रेट 2047 आजादी का अमृत काल एवं 7वें आयुर्वेद दिवस के आयोजन के संबंध में, इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, पूरा एक विषय डाल करके भेजा है। आगे उन्होंने लिखा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के समस्त प्रमुख सचिवों और सचिव महिला बाल विकास विभाग वाले और समस्त जो है प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों के सबको यह लेटर जो है भेजा गया था और कहा गया था कि 10 अक्टूबर का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 23 अक्टूबर को धनतेरस के उपलक्ष्य में जनपदों में समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयुर्वेदा एट द रेट 2047 आजादी का अमृत काल एवं 7वें आयुर्वेद दिवस के आयोजन के निर्देश निर्गत किए गए हैं, ताकि आयुर्वेद को बढ़ावा मिल सके। और कार्यक्रम की मुख्य जो थीम है वो हर दिन हर घर आयुर्वेद ये रखी गई है, तो थीम रहेगी हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 तारीख को परसों ये मनाना है। इस दौरान 23 अक्टूबर 2022 को आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, और गतिविधियों के आयोजन के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यथासंभव आयुर्वेद चिकित्सक योगाचार्य को भी आमंत्रित किया जाएगा। हर दिन हर घर आयुर्वेद थीम पर चर्चा की जाएगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के उपलक्ष में परियोजना के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयुर्वेदा एट द रेट 2047 आजादी का अमृत काल एवं 7वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन सुनिश्चित कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमानुसार गतिविधियों को भी आयोजन करवाएं। साथ ही परियोजना से न्यूनतम 10-10 आंगनबाड़ी केंद्रों के फोटोग्राफ भी संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप पर उसी दिन प्रेषित किए जाएं। तो इस तरह से एक ये हमारे पास जानकारी जिला बिजनौर से निकल करके आई है। और साथ ही साथ इस संबंध में आप देख भी सकते हैं, सर्बानंद सोडेवाल जो है इनका 16 सितंबर का इसी संबंध में एक लेटर भी हमारे पास पहुंचा है। और तो और आगे आपको बता दें, इसी संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से भी एक ये यहां पर लेटर जारी हुआ है। आप देख सकते हैं आयुर्वेदा जो है एट द रेट 2047 इस तरह से इस बार सेलिब्रेट ये किया जाएगा, जिसमें वीक लॉन्ग इवेंट्स थीम भी दे दी गई हैं और साथ ही साथ फोकस ऑफ सेलिब्रेशन पर भी दे दिया गया। इस तरह से इन्होंने सारी चीजें यहां पर मेंशन की हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं 23 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा। आगे बताते हैं इसको गजला परवीन महने बिजनौर से आती है, जिनके द्वारा भेजा गया था। और अगला जो एक सरकारी आदेश आप देखने जा रहे हैं, ये बिहार सरकार से जारी है। तो बिहार की बहनों और भाइयों, बिहार में 20 अक्टूबर को आपके यहां एक ये सरकारी आदेश कल जारी हुआ है निदेशक जी का, और ये सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को लेटर भेजा गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि धनतेरस के अवसर पर 23 अक्टूबर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर 7वां आयुर्वेद दिवस का आयोजन होगा। तो जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में आज बता चुके हैं कि बिहार में भी ये मनाया जाएगा, और तो और सभी राज्यों में 23 जो है अक्टूबर को संडे वाले दिन, आपको बता दें कि परसों ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो आप सब इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं बिहार सरकार से उस सरकारी आदेश की जो आपके लिए थोड़ा जरूरी है। तो बिहार सरकार से एक नया सरकारी आदेश आप देख रहे निदेशालय बिहार से 20 अक्टूबर को कल ही निदेशक जी ने जारी किया था, और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पूरे बिहार में भेजा था। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधियां जैसे कि गोद भराई और सह सुपोषण दिवस और अन्नप्राशन, सह स्कूल पूर्व शिक्षा और प्रवेश उत्सव, इसके आयोजन के संबंध में। और विस्तार से देखते हैं कि इसमें क्या उनका और कहना है। तो गोद भराई सह पोषण दिवस का एक साइड में दिया है और अन्नप्राशन सह स्कूल पूर्व शिक्षा प्रवेश उत्सव का एक तरफ दिया है। ऊपर इन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि समुदाय आधारित गतिविधियों के अंतर्गत प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को गोद भराई
दिवस और 19वीं तारीख को अन्न प्राशन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उक्त क्रम में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के दिशा निर्देश के आलोक में समुदाय आधारित गतिविधियों के तहत प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को गोद भराई दिवस सह सुपोषण दिवस ब्रैकेट में विशेष रूप से पति को उन्मुख करने के लिए केंद्रित है और जो कि 19वीं तारीख को अन्न प्राशन दिवस और सह स्कूल पूर्व शिक्षा प्रवेशो दिवस का आयोजन किया जाना है। उक्त दिवस को आंगनबाड़ी केंद्रों पर निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को गोद भराई दिवस के साथ साथ सुपोषण दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए और इस दौरान आंगनबाड़ी जो बहने आपको ध्यान देना है जो है गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी जो सास है माँ है ननद है इनके साथ में और उनके पति के साथ में भी उनको वहां पर आमंत्रित करना है और उनको जागरूक करना है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं की देखभाल जैसे कि पौष्टिक आहार का सेवन प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात जांच की देखभाल और यहां पर इन सब चीजों को लेकर के भी उन्होंने क्या कहा है कि इसके बारे में भी आपको क्या करने परामर्श देनी है। ऐसे अन्नप्राशन और स्कूल पूर्व शिक्षा और प्रवेशों को लेकर के भी जानकारी है कि यहां पर भी जो है इन चीजों पर बताया गया है यानी 6 महीने बाद ही बच्चे का जो अन्नप्राशन होता है तो उसके बारे में सब बता रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के यहां पर जो है जानकारी साझा की गई है और आगे ले चलते बताते हैं आपको। चित्रकूट से एक लेटर आया है डीपीओ महोदय का 19 अक्टूबर का। इसमें उन्होंने लिखा है कि आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा के कार्यालय पत्र संख्या 15 अक्टूबर की जिसमें निदेशक महोदय बाल विकास पुष्टाहार वाले 8/9/2022 का उन्होंने संदर्भ जो है एक दिया है। उसके संबंध में उनका कहना है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु के उपरांत जो भी निराश्रित महिला है उनको पेंशन योजना के अंतर्गत लाकर के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किए जाने के लिए जनपद में शहरी क्षेत्र विकास खंड और ग्राम पंचायत इन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से आधार एकत्रीकरण की कार्रवाई पूर्ण करने जाने के लिए भी जो है बोला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अपने स्तर से जिला प्रोबेशन अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और दिनांक 13/10/2022 की स्थिति के अनुसार जनपद के आधार पर प्रमाणीकरण की स्थिति निम्नवत है। तो यहाँ पर चित्रकूट की कुल इस तरह से यहाँ पर लाभार्थी की संख्या है और आधार प्रमाणीकरण हुए लाभार्थियों की संख्या है अवशेष लाभार्थियों की संख्या है। नीचे लिखा गया है कि यहाँ पर आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से ऐसी महिला लाभार्थी जो कहीं बाहर मजदूरी के लिए प्रवास पर गई हैं अथवा दिन में खेती या अन्य कार्य में घर से बाहर जाने के कारण अपने घर में नहीं मिलती है उनके घरों में संपर्क करके लाभार्थियों के आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति उनके मोबाइल नंबर पर एकत्रीकरण की कार्रवाई 1 सप्ताह में पूर्ण कराने के लिए उक्त से संबंधित अभिलेख संकलित करके प्रमाणीकरण हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय चित्रकूट में उपलब्ध कराने के लिए जो है कार्रवाई के लिए बोला गया है। तो एक ये लेटर जो है यहां पर जारी हुआ। आगे आपको ले चलते हैं इस वाले मैटर में यहां पर और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि बांदा में 15 अक्टूबर को एक और लेटर आया था यहां पर पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित जो महिला है उनको पेंशन योजना के पश्चात लाभार्थियों का 100% आधार प्रमाणीकरण कराए जाने से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें देखो उन्होंने लिखा भी था कि यहां पर मुख्यमंत्री जी द्वारा पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित जो महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण के संबंध में की जा रही निरंतर समीक्षा के दौरान अपेक्षित सुधार होने पर असंतोष व्यक्त किया गया है और सभी लाभार्थियों का 100% आधार प्रमाणीकरण सितंबर 2022 तक किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इस तरह से कि मैटर आया था कब जो अभी-अभी ये आपका जो 15 सितंबर को एक लेटर में जारी करके भेजा गया जिसमें देखो जनपदों में महोबा बांदा चित्रकूट हमीरपुर इस तरह से सबके ये नाम भी दिए हैं और परसेंट जो लाभार्थी हैं और पूरा ब्यौरा इनका दिया गया है। और नीचे उन्होंने क्या लिखा है कि निदेशक बाल विकास पुष्टाहार के आदेश के बारे में भी उन्होंने बात किया और उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो भाई देखो जिनको भी इस तरह के अगर लाभार्थी देने हैं तो वो इन पर फोकस करें। इसमें लिखा है ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से ऐसे शेष लाभार्थी जो उनके घरों में संपर्क करके आधार एकत्रीकरण का कार्रवाई 1 सप्ताह में पूर्ण कराएं। तो आधार वधार लेने के लिए बोला जा रहा है ऐसे लोगों का। और देखो यहां पर और आगे इन्होंने कुछ लेटर एक जारी किया है जिसमें कि इसी से जुड़ा हुआ है सितंबर में निकला था 8 सितंबर को और ये लेटर था आपके निदेशालय से। तो आप देख सकते हैं निदेशालय से भी पहले बोला गया था कि महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित जो महिला है उनकी पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के लिए सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में। तो कपिल सिंह जी निदेशक थे और उन्होंने क्या किया था अभी 8 सितंबर को पिछले महीने लेटर ये जारी कर दिया था इस कार्य को करने के लिए और बहनों को सहयोग करने के लिए। तो आपके निदेशक जी ने ही ये लेटर निकाला था और कहा था कि निर्देश किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25/8/22 में उल्लेखनीय निर्देश है कि यहां पर महिला कल्याण विभाग में संचालित पति की मृत्यु के बाद में निराश्रित महिला
महिला पेंशन योजना वाले लाभार्थी इनका आधार प्रमाणीकरण के लिए जनपद में शहरी क्षेत्रों के विकास खंड में पंचायत में सब जगह शिविर लगा करके कामों को करने के लिए बोला गया था और संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी अपने स्तर से जिला प्रोबेशन अधिकारी से अपेक्षा में सहयोग वगैरह भी देने के लिए बोला गया था। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जो कि निकल के आ रही थी। और एक और खबर यहाँ पर कांति रानी बहन राजस्थान से, उन्होंने एक आर्टिकल भेजा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ है। भीलवाड़ा में ये जो बक्से हैं उनको खरीदने में घोटाला किया गया है। अफसरों को लिखा गया, अफसरों और कर्मिकों ने जो है, अफसरों और इनको लिखना चाहिए था, इन्होंने गलत आर्टिकल छापा है। मोटी मोटी बताओ हेडलाइन जो है दस्ताने भीलवाड़ा में गलत छापी गई है। लिखा है अफसरों और कर्मिकों ने 3500 का लोहे का बॉक्स 6000 में कार्यकर्ताओं को थमा करके लाखों की राशि बंदर बांट कर ली। तो आप देख रहे इस तरह से ये जो बॉक्स है 6000 रुपया कीमत बता करके अधिकारियों ने बंदर बांट कर लिया, जबकि आप जानते हैं 6000 की कीमत बहुत होती है और 6000 के ये किसी भी सूरत में नहीं है। तो ऐसे में आप लोग बताओ कि इन बक्सों को खरीदने के लिए बहनों के खातों में जब पैसा आया था तो अधिकारियों को क्या जरूरत थी ये पैसे उनसे जबरन लेकर के स्वयं ये बक्से उनको थमाने के। तो आप देख रहे हैं इस मैटर को लेकर के ये मांडलगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला सामने देख सकते हैं और पहले भी दिखाया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कैसे 3500 के लोहे के बॉक्स जो है 6000 में खरीद करके थमा दिए गए। अब ऐसे में जो है, अब बताओ आधा आधा जो है दोगुना आधा आधा पूरा पूरा मुनाफा जो है मोटे मोटे अधिकारियों के पेट में चला गया। तो इस तरह से यहां पर एक और ये जानकारी निकल के आ रही थी। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में शाम वाली खबरों में हम आपको दिन भर की खबरों